A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last three videos, we already discussed and conclude the chapter number 6. And thereafter, we will move to the volume 2 of part A, that is in company's account. And we start and introduce the basic theoretical concept related to the first chapter of the volume 1, that is in chapter number 7 of part A, that is in company's account issue of share. And in the last video we already discussed which type of the theoretical concept discussed in this part A volume 2, as well as we discussed the concept of the company. So in today's video we discuss the concept of share, concepts of share capital, types of the share capital, as well as the famous definition of the company given by Professor Henry. So before starting the today's video, firstly we differentiate between the private company and public company, and it is very important theoretical concept for us. So you know very well, there are basically three types of the company. Okay, that is an unlimited company, company limited by guarantee, and company limited by share. And furtherly, when we categorize the company limited by share, it may be categorized into the three categories: private company, public company, and one person company. जिसे already हम लोगों ने one by one discuss कर लिया. But for the examination point of view, few students have a doubt, sir, what are the major difference between the private company and public company? So in theoretical, you know very well, private companies are those companies जिनको शेयर ट्रांसफर करने का राइट नहीं होता, जिनके पास प्रोस्पेक्टस इशू करने का राइट नहीं होता. और अपोजिट प्राइवेट पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिन्हें शेयर ट्रांसफर करने का राइट होता है और प्रोस्पेक्टस इशू करने का राइट होता है. तो ये दो बेसिक डिफरेंस है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी. दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर फिगर्स की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में जो मैक्सिमम नंबर होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर, प्राइवेट कंपनी में ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर होते हैं 200, और पब्लिक कंपनी में ये मेंबर लिमिट होते हैं अनलिमिटेड तक, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं होती. ठीक है, सो ये कुछ फिगर्स हैं जिसकी हेल्प से हम इनके बीच में अच्छे से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. और इसके अलावा मिनिमम नंबर्स की बात करें, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, तो प्राइवेट कंपनीज में मिनिमम 2 मेंबर्स हो सकते हैं, वेयर एज प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स की जरूरत पड़ती है. इसके बाद आपने सुना है राइट के बेसिस पे, तो इनको कौन कौन सा राइट होता है, ट्रांसफर ऑफ शेयर का राइट होता है, एंड प्रोस्पेक्टस इशू करने का राइट होता है. मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ताकि आप इस पर 2 डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. इनके पास कोई राइट्स नहीं होते कि वो शेयर इशू करें या फिर प्रोस्पेक्टस इशू करें, इस तरह के कोई राइट्स नहीं होते. अगर इसके कंपैरिजन में अगर बात करें तो प्राइवेट कंपनी के पास ना तो शेयर ट्रांसफर करने के राइट्स होते हैं, ना ही प्रोस्पेक्टस इशू करने के राइट्स अवेलेबल होते हैं. तो इस बेसिस पे आप उनके बीच में डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हैं. तीसरा, अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ डायरेक्टर के बेसिस पे, अगर डायरेक्टर अपॉइंट करना है सो डायरेक्टर्स के बेसिस पे यू नो वेरी वेल, बेसिकली यहां पर 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए. प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, और वहीं पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए. ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन द प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. तो इन सारे डिफरेंसेस को अपनी कॉपीज में इन सेंटेंस में लिखिएगा, ऐसा नहीं कि ऐसे शॉर्ट में लिखिएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको ये चीज फिगर, ये टेबल आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आ जाए. सो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 200, पब्लिक में अनलिमिटेड है, मिनिमम 2 प्राइवेट में, मिनिमम पब्लिक में 7,
डायरेक्टर्स मिनिमम प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 3 और राइट आपको पता है. सो प्लीज नोट डाउन एंड देयर आफ्टर वी विल मूव टू द रिवीजन पार्ट ऑफ द टुडेज वीडियो दैट इज इन शेयर टाइप्स ऑफ द शेयर एंड काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी. तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी की डेफिनेशन. Chapter number 7, and it is the first chapter of the volume 2 of part A. So firstly we'll discuss about the definition of company. What do you mean by company? You know very well, according to Companies Act 2013, company is an voluntary association of the person formed through the process of law for the purpose of the carrying on some business. Apart from this, the very famous person, that is an according to Professor Hennig, according to Professor Hennig, company is an artificial person. A company is an artificial person. A company is an artificial person created by law. Created by law, having separate entity, having separate entity with a perpetual succession, with a perpetual succession and a common. And it is a very famous definition of the company according to the Professor Hennig. So let's see out. According to the Professor Hennig, company is an artificial person. Artificial person matlab we are a human being. We are a natural person. Hum saans lete hain, hum bolte hain, hum khate hain, hum sote hain, hum chalte hain aur hum gussa bhi karte hain, hum hanste bhi hain aur rote bhi hain. Because we are a human being, हमारे पास अपना खुद का दिमाग होता है. Exceptional may be applied. तो ऐसा नहीं कि वो they are not a human being, so exceptional may be applied. तो basically you know very well, human beings का मतलब होता है या living things का मतलब होता है या कह सकते हो natural person जिसे कहते हैं उनकी अलग रहेगा. लेकिन company is just like a person जिसे किसी law के through या जिसे किसी स्पेशल प्रोविजन के थ्रू पर्सन का दर्जा दिया गया. पर्सन मतलब व्यक्ति, इंसान का दर्जा दिया गया. जैसे हम अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हम किसी के ऊपर केस कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट कंपनी भी क्या कर सकती है, बैंक में अपना अकाउंट खोल सकती है. बिकॉज इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, वो इन्वेस्ट कर सकती है, वो एसेट्स परचेस कर सकती है, किसी से कोई परेशानी हो या उसको किसी से कोई लॉस हुआ हो तो वो उसके खिलाफ केस भी कर सकती है. यू नो वेरी वेल, उसी तरह से क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और इसे आर्टिफिशियल पर्सन बनाया है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनीज एक्ट. इंडिया में के कॉन्स्टिट्यूशन में एक कंपनीज एक्ट बना हुआ है. इस एक्ट के थ्रू कंपनी जो भी कंपनीज एक्ट के थ्रू इनकॉर्पोरेटेड होती है, बनती है, उसे एक पर्सन का दर्जा मिलता है, जस्ट लाइक अ आर्टिफिशियल पर्सन. सेकेंड, कंपनी इज क्रिएटेड बाय अ लॉ. यू नो वेरी वेल, हम जो लोग भी क्रिएट हुए हैं वी आर क्रिएटेड बाय गॉड. बट कंपनी का जो जन्म है, कंपनी का जो क्रिएशन है, इट इज डिपेंड ऑन द लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन. एज वेल एज कंपनी हैज अ सेपरेट एंटिटी. सेपरेट एंटिटी का मतलब है कि कंपनी की अपनी ऑटोनोमस थिंग होता है, उसकी अपनी खुद की एंटिटी होती है एंड विच आर
different from the others. Separate entity का मतलब होता है कंपनी के जो मेंबर हैं उनकी एंटिटी अलग है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी की एंटिटी अलग है. सपोज आर्मी पब्लिक स्कूल इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, यू नो वेरी वेल इट इज एन वॉलंटरी एसोसिएशन. अब आर्मी पब्लिक स्कूल की एंटिटी अलग है और वहां के वर्कर्स, वहां के ओनर्स, वहां के मेंबर्स, वहां के टीचर्स की अपनी खुद की एंटिटी. हाँ, ये बात अलग है कि कंपनी की एंटिटी इज टोटली डिपेंड अपॉन द मेंबर्स. If members are doing good, so the entity of the organization will be good. यानी अगर सिंपल सी बात करें कि सेपरेट एंटिटी का यह मतलब है कि कंपनी अपनी खुद की एक एंटिटी रखती है, अपनी खुद की एक पहचान रखती है. With a perpetual succession, कंपनी के पास एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि they have a perpetual succession. Perpetual succession का मतलब होता है कि कंपनी अनंत जीवन तक चलती रहेगी, किसी के जीने से, किसी के मरने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. मतलब you can see that the example of the बिरला कंपनी, अदानी अंबानी कंपनी, जैसे कि रिलायंस को establish किया था धीरूभाई अंबानी ने, लेकिन वो अभी नहीं है, उनके बेटे उस कंपनी को चला रहे हैं. आप ये कंपनी हमेशा चलती रहेगी और उसके आगे की पीढ़ी उसको रन करती रहेगी. बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले की है, जिसको इंडिया के लोगों ने नहीं चलाया, ब्रिटिश ने चलाया, लेकिन इंडिया चला लिया. सो यू नो वेरी वेल कि और कई ऐसी कंपनीज हैं जो इंडिया की है और विदेश में चल रही है. सो इट इज नॉट टोटली डिपेंड ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन. आई वॉन्ट टू से दैट कि कंपनी की अपनी परपेचुअल सक्सेशन होती है, इसकी लाइफ इनडिफिनिट पीरियड के लिए होती है, किसी के मरने जीने से इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंपनी हैव अ कॉमन सील. कॉमन सील इज जस्ट लाइक अ सिग्नेचर. जिस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट को वैलिड करने के लिए एक सिग्नेचर कस्टमाइज करते हैं, उसी तरह से कंपनी अपने डॉक्यूमेंट को ऑथराइज करने के लिए उस पे कॉमन सील क्या करती है, प्रेजेंट करती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपनी. And these are the famous definition of the company. Company is an artificial person created by law, having separate entity with a perpetual succession and a common seal. Okay, so please note down. Shares. What do you mean by shares? Total company. Capital of company is divided into a small denomination the total company of total capital of the company is divided into units of small denomination. Each such units is called share. So what do you mean by share? Share means company की जो total capital होती है वो छोटे छोटे denomination में units में divide होती है और इन सारी units को हम लोग बोलते हैं share. अगर हम example से समझें, suppose किसी company की जो capital है, total capital जो है वो 10 लाख रुपीस, ओके, और शेयर की जो प्राइस है यानी डिनोमिनेशन जो है, प्राइस पर शेयर, मतलब एक शेयर का जो प्राइस है वो 100 रुपीस है, ठीक है. सो हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर इक्वल्स टू 10 लाख रुपीस द कैपिटल, और एक शेयर का प्राइस कितना है 100. सो नंबर ऑफ
of share will be of 1 lakh. This 10,000, sorry. So we can say that company के पास 10,000 share हैं, एक share पे 100 रुपए मिलेगा, तो total company को कितनी capital मिल जाएगी? 10,000. Is that clear? So what is the meaning of share? Total capital of the company divided into the small denomination, each unit is called share. And you can see that the number of share can be determined by the term of the company by total capital and the price per share. If you are talking about the times of the share, you know very well. In the class 11, you already discussed about the kinds of the share. So according to section 43 of Companies Act 2013, you know very well, one act ka ek section hota. So Companies Act 2013 ke section 43 ke according, there are basically two types of the share. First is preference share. And second, equity share. ये आपने already 11th में पढ़ा हुआ है कि what do you mean by preference share and what do you mean by equity share. So you can see that what do you mean by share, how we will determine the total number of the share, what do you mean by the total capital of the company, and what do you mean by the price of per share. Price मतलब face value of the share is 100. एक share 100 रुपए का है. कंपनी को टोटल कैपिटल चाहिए 10 लाख, तो कंपनी कितना शेयर इशू करेगी? 10,000. और अगर टाइप्स ऑफ शेयर की बात करें, तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ द शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर. सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर एंड व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी शेयर? यू ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट फ्यू क्लासेस, इन द लास्ट क्लास, इन द क्लास 11. प्रेफरेंस शेयर आर दोस शेयर व्हिच हैव अ राइट टू प्रेफरेंस. यानी प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिन्हें प्रेफरेंशियल राइट्स मिला होता है. Preference share are those share जिन्हें क्या मिला होता है? Preferential rights. Preferential rights मिला होता है किस रिस्पेक्ट में? Fixed rate of dividend. इन्हें fixed rate of dividend मिलेगा. Second, dividend before equity share. यानी इक्विटी शेयर से पहले, यानी अगर कंपनी का प्रॉफिट डिक्लेयर हुआ तो पहले प्रॉफिट प्रेफरेंस शेयर वालों को मिलेगा, फिर इक्विटी शेयर वालों को मिलेगा. ठीक है, तो पहला तो पॉइंट होता है प्रेफरेंस शेयर के साथ, क्योंकि प्रेफरेंशियल राइट्स मिला होता है. किस तरह के प्रेफरेंशियल राइट्स? कि भैया इन्हें फिक्स रेट का डिविडेंड मिलेगा. इन्हें अगर डिविडेंड मतलब प्रॉफिट ऑन शेयर, डिविडेंड का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट ऑन शेयर, आपने 11th में पढ़ा होगा. सो डिविडेंड का मतलब आपको कहीं लिख लीजिएगा, डिविडेंड मीन्स प्रॉफिट ऑन शेयर. अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो कंपनी आपको क्या देगी? हर साल जो प्रॉफिट होगा उसको आपको शेयर देगी. तो प्रेफरेंस शेयर अगर आपने कंपनी का लिया हुआ है तो आपको पहले तो फिक्स रेट का डिविडेंड मिलेगा, यानी हर साल आपको 8% 10% डिसाइड हो जाएगा बिफोर टेकिंग द प्रेफरेंस शेयर कि आपको इतना डिविडेंड मिलेगा. दूसरा, डिविडेंड मिलेगा तो पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस वाले, फिर इक्विटी वाले को मिलेगा, क्योंकि इक्विटी वाले ओनर होते हैं. जैसे घर में खाना बनता है तो सबसे पहले खाना कौन खाते हैं? मेहमान की मेजबान, घर वाले की मेहमान, पहले मेहमान. उसी तरह से मेहमान है, इन्हें एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा इक्विटी शेयर से पहले. और तीसरा, लिक्विडेशन के टाइम. ये लिक्विडेशन क्या होता है? अगर कंपनी बंद होगी, कंपनी अगर बंद होगी तो कैपिटल रिटर्न पहले किसको किया जाएगा? यस, लिक्विडेटिंग, लिक्विडेशन के टाइम, ऑन लिक्विडेशन कैपिटल रिटर्न बिफोर इक्विटी शेयर. ओके, यानी लिक्विडेशन के टाइम इन्हें इनका पैसा पहले वापस किया जाएगा एज कंपेयर टू द इक्विटी शेयर. यानी इनकी सारी दुश्मनी इक्विटी शेयर से ही है. क्लियर? सो दीज आर द शॉर्ट एंड ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर. इन शॉर्ट वे वी कैन से दैट इक्विटी शेयर आर दो शेयर व्हिच आर नॉट द प्रेफरेंस शेयर.
which do not have any kind of preferential rights, ना इन फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, एक डिविडेंड मिलता है तो प्रेफरेंशियल के बाद, और लिक्विडेशन यानी कंपनी जब बंद हो रही है तो पहले पैसा प्रेफरेंशियल वालों को मिलेगा फिर लिक्विडेशन, जस्ट अपोजिट, क्लियर? सो प्लीज नोट डाउन। सो फर्स्टली इन टुडेज वीडियो वी डिस्कस्ड and the revised about the famous definition of the company which are given by Professor Henning, and thereafter we discuss the concept of the share in company as well as the two famous kind of the share, that is a preferred share and equity share. So now let's we move to the new topic of today videos, that is a share capital. So what do you mean by share capital? Share capital is a part of the share. So in short way we can say that कि जो share capital होता है वो आपका share का part होता है, यानी share capital का creation company के share की help से होता है. So what do you mean by share capital? You know very well, company's capital divided into the small parts, and these parts will be known as a share, and capital or amount received on the company's share will be known as a share capital. So according to Companies Act, share capital means the capital raised by the capital raised by the issue of share. It means share capital क्या होता है? कंपनी जब शेयर इश्यू करती है तो कंपनी को शेयर इश्यू करने के बदले जैसे भी कैपिटल मिलता है उस कैपिटल को हम कहते हैं शेयर कैपिटल. There is one consolidated capital account of company called share capital account. आपने भी पार्टनरशिप में पढ़ा था कि कई सारे पार्टनर्स होते हैं तो उन पार्टनर्स का अलग अलग हमें कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है. लेकिन जब हम लोग कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी की सिचुएशन में हमें मल्टीपल कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पे कंसोलिडेटेड कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होता है जिसे हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट कहते हैं. सो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर? You know very well, the company's capital divided into the small denomination and each unit will be known as a share, and the amount received or capital raised by the issue of such share will be known as a share capital, and every company must prepare or record the consolidated capital account. यानी यहाँ अलग अलग मेंबर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर नहीं होता, कंपनी का एक सिंगल कंसोलिडेटेड कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट. बट अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ और काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ और काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल एंड द टाइप्स आर, द फर्स्ट टाइप्स इज authorized share capital. Number second, issued share capital. Number third, subscribed capital.
So there are basically three types of the share capital according to Companies Act 2013 revised. Authorized share capital, issued share capital and subscribed share capital. So what is the meaning of authorized share capital? You know very well. Every company must be incorporated in the according to the Companies Act 2013. So जब कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो आपको पता है कि उसे अपना एक प्रॉस्पेक्टस प्रिपेयर करना पड़ता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करना पड़ता है, और उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज. यू नो वेरी वेल डिफरेंट क्लॉजेस आर गिवन इन द मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन, लाइक नेम क्लॉज, सिग्नेचर क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज. सो उसी तरह से जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है तो कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में यानी चार्टर ऑफ द कंपनी में कैपिटल क्लॉज में एक अपनी कैपिटल रजिस्टर्ड कराती है कि जब कंपनी ओपन होगी तो उसकी मैक्सिमम शेयर कैपिटल कितनी. यानी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल आर द शेयर कैपिटल विच आर रजिस्टर्ड विद द कंपनीज एक्ट 2013 एट द टाइम ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी. यानी जब कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट होता है, कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, तो वो अपना कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल रजिस्टर्ड कराती है एट द टाइम ऑफ द इनकॉर्पोरेशन विद द कंपनीज एक्ट 2013. सो इन शॉर्ट वे वी कैन से दैट ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इज आल्सो नोन एज एन रजिस्टर्ड और मैक्सिमम शेयर कैपिटल. यानी उससे ज्यादा कंपनी कैपिटल अरेंज नहीं कर सकती या उससे ज्यादा कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती. अब हम बात करते हैं द इशूड शेयर कैपिटल की. व्हाट विल बी माय इशूड शेयर कैपिटल? इशूड शेयर कैपिटल विल बी नोन एज एन पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. इशूड शेयर कैपिटल विल बी नोन एज एन पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल व्हिच आर इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन. यानी इशूड शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का वो पार्ट होता है जिसे कंपनी इशू करती है फॉर सब्सक्रिप्शन. यानी शॉर्ट में वी कैन से दैट इशूड शेयर कैपिटल आर पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल विच आर इशूड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन. And subscribed share capital is a part of the issued share capital. Subscribed share capital is a part of the issued share capital which are subscribed by public. यानि कि issued share capital में से जितना share public या फिर जिसे भी share issue किया गया है वो subscribe कर लेती है, खरीद लेती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं issued, उसे हम लोग सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के कैटेगरी में रहते हैं. जैसे हम एग्जांपल से इसको समझते हैं. सपोज देयर इज अ वन कंपनी एक्स कंपनी. एक्स कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ एट द टाइम ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, उसने अपना जो रजिस्ट्रेशन कराया है वो कराया है 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच. यानी कंपनी के पास 1 लाख शेयर है और उसमें वो 100 रुपीज क्या कर सकती है, एक शेयर पे कॉल कर. सो व्हाट डू यू बाय ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल विल बी योर 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज एन 1 करोड़. सो दिस विल बी नोन एज एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. अब जरूरी नहीं है कि कंपनी सारा शेयर पब्लिक में इशू कर दे. कंपनी क्या करती है, इसमें से कुछ शेयर पब्लिक में इशू करती है. जैसे कंपनी ने पब्लिक में इशू किया सिर्फ 80,000 शेयर 100 रुपए, तो 80 लाख विल बी नोन एज अ इशूड शेयर कैपिटल. क्योंकि मैंने बोला पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल विच आर इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन. यानी कंपनी पास टोटल शेयर 1 लाख है, लेकिन कंपनी ने इशू केवल कितना किया है 80,000. सो 80,000 विल बी शेयर इशूड शेयर एंड इशूड शेयर कैपिटल विल बी 80 लाख. अब जरूरी नहीं है कि कंपनी के सारे शेयर क्या हो जाएं, बिक जाएं या सारे शेयर पब्लिक के थ्रू परचेस कर लिए जाएं. सपोज पब्लिक ने
75,000 शेयर परचेस कर लिए, सो नाउ सब्सक्राइब शेयर विल बी 75,000 एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल विल बी 75,000. सो दीज आर द सिंपल एंड ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द शेयर कैपिटल एंड काइंड्स ऑफ द शेयर कैपिटल. सो प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी प्रॉपरली. So in today's video, we discussed, firstly we revised the few of the important theoretical concept related to this chapter, and thereafter we discussed the very famous concept of this chapter, that is in share capital. Okay, so I hope today we cleared all the things very easy. Apart from this, if you have any doubt, so please ask me in the online classes as well as in the course. Thank you, take care, goodbye.